गाइस, वेलकम टू माय स्टूडियो। सो लास्ट वीडियो में जब मैंने डिक्लटर एंड ऑर्गेनाइज किया था, तो मैंने आपको बहुत ऐसे ओवरव्यू दे दिया था कि ऐसा है कुछ मेरा स्टूडियो। एंड आई प्रॉमिस यू गाइस कि मैं एक अच्छे से थरो टूर दूंगी आपको, हर एक कोना कोना दिखाऊंगी इसका। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। लेट्स बिगिन। ऑल राइट, सो सबसे पहले एज यू एंटर, दिस इज़ द होल स्पेस। ये एक्चुअली एक फ्लैट है, तो उसका मास्टर बेडरूम मैंने हथिया लिया है। बाकी इसका इस फ्लैट में एक बेसमेंट भी है जहाँ पर सारा वेयरहाउस है। और मेरे कमरे के जस्ट ऑपोजिट वाले कमरे में मेरी एक पड़ोसन आने वाली है जो कि वीडियो शूट करी है, दैट इज़ अनिंदिता। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस रूम। सबसे पहले दिस इज़ द टेबल दैट आई सिट ऑन, लाइक नॉट ऑन द टेबल, आई सिट ऑन द चेयर, बट दिस इज़ द टेबल दैट आई यूज़ टू कीप ऑल माई स्टफ़, क्योंकि बहुत सारा मेकअप फैल जाता है। एंड मल्टीपल वीडियोज़ जब मैं शूट करी हूँ, तो मैं साइड करती जाती हूँ, शूट करती जाती हूँ। अभी फिलहाल ये काफ़ी साफ दिख रही है, यूजली इतनी साफ ये होती नहीं है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक मार्केट है, फर्नीचर मार्केट, इट्स कॉल शाबेरी, तो मैं वहाँ से ही अपना सारा फर्नीचर खरीदती हूँ। सो आई गॉट दिस फॉर आई थिंक 6,000 रुपीज़। ये एक्चुअली कैफेटेरिया वाली टेबल है, बट परफेक्ट साइज़ है मेरे लिए, सारा सामान मेरा यहाँ पे आ जाता है। सो व्हेन यू एंटर, सामने तो ये मेरी टेबल पड़ी हुई है जो कि मैंने अभी आपको दिखाई। ऑन द राइट साइड यू गेट दिस स्टोरेज यूनिट। सो थ्रू आउट द स्टूडियो छोटे छोटे स्टोरेज यूनिट्स है, क्योंकि मेकअप भी काफ़ी हो जाता है एंड कपड़े शूट के लिए मुझे यहाँ पर रखने पड़ते हैं, एंड इसलिए मुझे जगह ज़्यादा लगती है। ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर है, ये मैंने मीशो से मंगवाई, कलर बहुत सुंदर है बट हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी। सो दैट इज़ बिकॉज शिफ्टिंग में ना मेरी काफ़ी सारी लिपस्टिक डैमेज हो गई थी एंड उसके कुछ निशान जो है इस पर रह गए थे। दिस इज़ माई लिपस्टिक ड्रॉर, इसमें ऊपर से नीचे तक सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक्स भरी हुई हैं। सो लेट मी शो यू वन बाय वन। सबसे ऊपर वाले कंपार्टमेंट में आई हैव ऑल माय कफ्स एंड लैशेस की लिपस्टिक्स, लिप ग्लॉसेस, सब कुछ। सेकंड कंपार्टमेंट में आई हैव ऑल माय लिक्विड लिपस्टिक्स, अभी मैंने ऐसी रखी हुई हैं, आई विल अरेंज देम। नेक्स्ट वी हैव ऑल द बुलेट लिपस्टिक्स, एंड इसमें है सारी के सारे ग्लॉसेस, लिप ऑयल्स, लिप लैकर्स, वो सारी चीज़ें। एंड लास्ट वाले में वी हैव लिप बाम्स। इसके ऊपर मैंने ये कुछ ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं, इसमें मेरे सारे लिप लाइनर्स, आईब्रो प्रोडक्ट्स, मिसेलिनियस थिंग्स हैं, तो मैं यहाँ से उठा के सीधे अपनी टेबल पे ले जाती हूँ। एंड दिस आई स्टिल हैव टू फिगर आउट मैं इसमें क्या रखूँगी। सो ये अभी ऐसे सजा करके हमने रख दिया है। इसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देन आई हैव दिस स्टोरेज स्पेस, ये वाली। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, ये एक्चुअली कपड़े रखने के लिए है, बट आई थिंक कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं ना जो मुझे दिखने चाहिए, अदरवाइज़ क्या होता है कि मैं भूल जाती हूँ क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा डिस्प्ले के लिए है। सो आई हैव ऑल द हेयर प्रोडक्ट एंड माय बॉडी प्रोडक्ट्स लाइक सनस्क्रीन वगैरह, बॉडी लोशन वगैरह। ये वाला पूरा फ्रेग्रेंस वाला सेक्शन हो गया, इसमें मेरे सारे फ्रेग्रेंसेज हैं, इसमें मेरे सारे परफ्यूम्स दिख जाएंगे। देन आई हैव माय रोल ऑन्स, माय बॉडी स्प्रेज, वो सारे यहाँ पर। दिस वन इज़ प्रिटी एम्प्टी, कुछ मिसलेनियस चीज़ें जो मैंने यूज़ नहीं करी, आई स्टिल हैव टू रिव्यू। एंड अगेन इस वाले सेक्शन को हम इग्नोर कर देते हैं, उसमें कुछ ऐसे ही भरा हुआ है सामान। इसमें सारे इस तरफ में कफ्स एंड लैशेस के लिप मास्क हैं, कुछ मॉइस्चराइजर हैं, ऑल माय सनस्क्रीन्स आर हियर। यहाँ पर कुछ कुछ मेरे मेकअप रिमूवर्स हैं, एंड हियर आई हैव फ्यू फेस प्रोडक्ट्स, सो क्लेंजर्स भी हैं, रोज़ वाटर है, एंड देन सीरम्स। तो दिस इज़ द स्पेस। एंड इसके नीचे जो ये आपको कबर्ड दिख रही है, दिस इज द यूनिट वेयर आई स्टोर ऑल माई इक्विपमेंट्स। तो अगर मैं इसको खोलूँ, ये जो कबर्ड है ये मैंने कारपेंटर से बनवाई थी। सो अगर आप इसमें देखोगे, आई हैव फ्यू बैग्स हियर, लाइक पाउचेस वगैरह जो अभी फिलहाल यूज़ में नहीं है, कुछ यूटेंसिल्स है वो मैंने इसमें रखा हुआ है। सो ये मेरा कैमरा जो मैं अभी यूज़ नहीं कर पा रही क्योंकि इसका चार्जर खो गया है, एंड माई माइक जिसके बारे में मैंने आपको बताया, somebody who's looking for a mic जो फोन से भी अटैच हो जाए, this is something that you should try। और लास्ट वाली जो कबर्ड है, मैं झुक के ज़्यादा दिखा नहीं सकती, बट यहाँ पर वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी मुझे रिव्यू करने हैं, ऑल द न्यू स्टफ दैट आई बॉट या फिर PR में आया। एक ही दो चीज़ें हैं जो PR में आई हैं, ज़्यादातर मैंने खुद ही खरीदी हैं, तो वो सारी नीचे रखे हुए हैं कि मैं भूलूँ ना कि मुझे रिव्यू करना है। वंस आई हैव रिव्यूड तो ये सारा अंदर चला जाएगा। तो ये तो हो गई मेरी ये सारी वाली स्टोरेज यूनिट, जहाँ पर मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो कि मैं तुरंत एक्सेस कर सकूँ। आई ऑल्सो हैव अ स्मॉल वॉक इन क्लॉजेट हियर। इस क्लॉजेट की हालत थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि ये सब में ना दीमक लगा हुआ है, सुन रहे हो आवाज़? सो आई कॉन्ट क्लोज देम प्रॉपरली, ऐसे वाली उसमें पूरे जो कब्जे हैं वो पूरे टूट चुके हैं, एंड आई डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट अ लॉट इन दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरी तो है नहीं, रेंटल है, ठीक है। तो कबर्ड्स में ना मैंने अपना सारा सामान रखा हुआ है, जैसे कपड़े हो गए, कुछ एक्स्ट्रा सामान हो गया, चूड़ियाँ वगैरह हो गई, इधर पे भी कुछ और कपड़े हो गए,
गिव अवे के लिए कुछ प्रोडक्ट्स जो निकाल के रखे हुए हैं। साथ में ये जो नीचे शू रैक दिख रही है ना, इसमें भी बहुत सारा स्किन केयर है जो कि मैंने गिव अवे के लिए रखा हुआ है। एवरी सिंगल वीडियो दैट आई एम पोस्टिंग हैज अ गिव अवे अंटिल आई हिट 500K, सो सारे विनर्स में 500K पे अनाउंस करूंगी। सो दीज आर ऑल द कबर्ड्स जिसमें मैंने स्टफ भरा हुआ है, एंड देन आई हैव दिस यूनिट। अगर आप मेरे OG फॉलोअर हो, यू वुड नो ये मेरे स्टूडियो में सबसे पहले आई थी। लाइक जब मैं घर से शूट करती थी ना, तब से ये मेरे पास है और ये अभी तक बढ़िया चल रही है। आई गॉट दिस फ्रॉम शाबेरी इटसेल्फ। तो इसमें मैंने अपनी सारी ज्वेलरी भरी हुई है। हियर आर ऑल माई नेकलेसेज। बंद हो जाओ। ओके, एंड दिस वन हैज़ अगेन मोर नेकलेसेज एंड ईयर रिंग्स वाला सेक्शन है ये बेसिकली। इसमें सारी की सारी चूड़ियाँ हैं, ऑल माई बैंगल्स एंड एवरीथिंग। एंड लास्ट वाले में हमने अपने कुछ कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं, गजरा वगैरह, कुछ मिसेलेनियस आइटम्स जैसे बिंदी वगैरह हो गई। सो दिस इज ऑल आई हैव इन टर्म्स ऑफ एक्सेसरी जो इसमें घुस गई है। अंशिका ने बहुत प्यारी तरीके से मेरे सारे शेड्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि मैं नहीं पहनती हूँ, बिकॉज जब भी मैं पहनती हूँ तो यहाँ से मेरे पूरा फेस स्वेल हो जाता है। माई नोज ब्रिज इज वेरी कमजोर, तो इसलिए। सो ये तो हो गई मेरी वॉक इन क्लॉजेट। यहाँ पर हमने एक मिरर भी लगाया था जो इस लाइट से छुप गया है। ओके, एंड एक बहुत बड़ा सा बाथरूम है यहाँ पर, मतलब बहुत ही बड़ा है बाथरूम ये। आई फील कि इसको भी इसी के अंदर घुसा लेना चाहिए मुझे। सो इक्विपमेंट्स के बारे में मैंने वैसे तो बता दिया था, बट लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू देम वंस अगेन। आई हैव माई ट्राईपॉड, मेरे पास दो ट्राईपॉड है, डिजिटेक के हैं ये, बहुत स्टडी है, मेरे पास 4 या 5 साल से है ये, दे वेरी वेरी गुड। लाइट भी मेरी रिंग लाइट डिजिटेक की है। अगर आप नए क्रिएटर हो, एक लाइट चाहिए, जस्ट गेट रिंग लाइट। और ये डिजिटेक की 18 इंच वाली है, सो यू गेट अच्छा खासा लाइट इससे। देन आई हैव माई बिग लाइट जिसका अम्ब्रेला खो गया है, SL60W फ्रॉम गोडॉक्स। मेरे पास एक ये है और एक वो है, सो आई हैव 2 गोडॉक्स लाइट्स। ये परफेक्ट है बिकॉज इसमें ना फ्लिकर नहीं होता, नेचुरल लाइट को रिप्लिकेट करता है ये, सो इसलिए दोनों की ही लाइट्स बहुत अच्छी है। सो ये है मेरा बैग स्टैंड, इसमें मैंने अपने कुछ कुछ बैग टांग रखे हैं, बेसिकली वीडियो के लिए टांगे हुए हैं। नहीं, इसमें एक दो बैग्स टंगे हुए थे, कल का वीडियो अगर देखा होगा तो आपको पता होगा जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन वाला किया है। तो कुछ कुछ डिस्प्ले लगाया हुआ है यहाँ पर। दिस आई गॉट फ्रॉम शाबेरी, आई थिंक 500 या 600 का था, आई डोंट रिमेम्बर, मतलब सस्ता ही था ये, तो मैंने वो तो ले लिया। देन वी हैव दिस स्टोरेज यूनिट। अगेन अगर आपने मेरा पुराने वाला स्टूडियो देखा होगा तो हमेशा ये मेरे बैकग्राउंड में रहा करती थी। इसमें मेरा ऑलमोस्ट सारा मेकअप रखा हुआ है, सो इफ़ यू लुक एट इट, यहाँ पर मेरे सारे ब्लशर, ब्रॉन्जर, मस्कारा, ब्लशर अगेन, काजल, पेंसिल, आई लाइनर, आईब्रो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, नेल पेंट्स हैं यहाँ पर, और इस वाले ड्रॉर में मेरे सारे बेस प्रोडक्ट्स हैं। सो वी हैव कंसीलर्स ये पूरे, देन ऑल माय फाउंडेशंस आर हियर, पीछे मेरी स्ट्रोब क्रीम्स एंड प्राइमर्स हैं, एंड सम मेकअप फिक्सर्स आर राइट हियर। सो दिस इज़ माय बेस ड्रॉर। इसमें मेरे पाउडर्स हैं सारे, एंड एक वन ब्रांड करना था मुझे 7Cs का, तो वो प्रोडक्ट्स वहाँ पे रखे हुए हैं। बाकी सारे लूज पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर्स, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड जो लास्ट वाला है, दिस इज़ माय आई शेडो ड्रॉर। इसमें मेरे सारे आई शेडोज़ हैं, मैंने काफ़ी सारे डिक्लटर कर दिए हैं। दीज आर एवरीथिंग दैट आई हैव करंटली, सो दिस इज़ माई आई शेडो ड्रॉर। इसके ऊपर मैंने अपने ब्रशेज रखे हुए हैं, अभी थोड़े गंदे हो रहे हैं बिकॉज आई हैव बिन कॉन्स्टेंटली फिल्मिंग, तो मुझे ये वॉश करने हैं। एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर कफ्स एंड लैशेज, सो मेरे को वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। देन आई हैव दिस स्मॉल लिटिल कांच का कंटेनर, ये मैंने अमेजोन से मंगाया था, दिस वॉज एक्सपेंसिव एंड नाउ आई फील मैंने क्यों ही मंगा लिया है, क्योंकि मैं इसको यूज़ ही नहीं करती हूँ फिलहाल। मैंने इसमें थोड़े से अपने स्पंजेस वगैरह रखे हुए हैं, एंड देन माई क्यूटी मिरर दैट आई गॉट फ्रॉम मिनीसो। बहुत ही सुंदर सा क्यूट सा मिरर है, जस्ट फॉर 350 रुपीज़, अच्छा खासा बड़ा मिरर है ये, एंड यू नो इट लुक्स सो क्यूट ऑन द वैनिटी। एंड वी हैव दिस नियॉन लाइट विच सेज व्हाट नॉनसेंस। अब क्या है ये, वो तो सीक्रेट है बिकॉज समथिंग एक्साइटिंग इज कमिंग अप वेरी वेरी सून, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। मैं बताऊंगी आपको लेटर कि क्या आने वाला है। बाय द वे माई कर्टन्स, दीज आई गॉट फ्रॉम सैटरडे मार्केट। ये एक कर्टन मुझे आई थिंक 250 का पड़ा था, हाँ 9 फिट का है, बल्कि ज़्यादा ही था, तो मुझे कटवाना पड़ा इनको। एंड इट हैज़ दिस सेल्फ का काम, थोड़ा ऐसे एम्बॉसिंग हो रखी है, बैकग्राउंड में बहुत प्यारे लगते हैं। फॉर 250 रुपीज़ का पर्दा, आई थिंक इट्स वॉज अ स्टील डील, सो आई गॉट दोज फ्रॉम सैटरडे मार्केट, 71 में लगता है वो, तो वहाँ से मैंने लिए थे ये पर्दे। सो दिस इज़ द मिरर, एंड आई गॉट दिस फ्रॉम
शाबेरी अगेन, मेरी सारी फर्नीचर शॉपिंग शाबेरी से होती है. आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट दीज, तो मेरे को पिछले वीडियो में किसी ने बोला था टेढ़े लगे, दैट्स बिकॉज ये एक कील पे लटके हुए हैं, दूसरी कील ला करके मुझे अभी इनको ठीक करना है. सो या बोथ माई सिल्वर प्ले बटन्स, बहुत जल्दी यहाँ पर गोल्ड प्ले बटन भी देखने को मिलेगा. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बस सपोर्ट करते रहना सो दैट यहाँ पर एक गोल्ड भी जल्दी टंग जाए. एंड दैट इज़ माई स्टूडियो स्पेस गाइस, बहुत सिंपल, बहुत बजट में है. देर वॉज अ प्लांटर ऑल्सो मेरे पीछे, ग्रीन कलर का प्लांटर अगर देखा हो, वो अंकित ने चुरा लिया यहाँ से और अपने ड्राॅइंग रूम में रख लिया है, तो मैं वहाँ से वापस लेकर आऊँगी उसको बैकग्राउंड में रखने के लिए, क्योंकि एक हिंट ऑफ ग्रीन हो जाती है तो अच्छा लगता है. दैट वॉज ऑल्सो अ फेक प्लांट जो कि मैंने शाबेरी से लिया था अगेन, बहुत सस्ता था, वो भी 600-700 का ही लिया था अमेजोन पे, क्योंकि उतना बड़ा प्लांट बहुत महंगा मिलता है, इसलिए आई एम सेइंग सस्ता था वो. एंड दैट्स इट फॉर दिस स्टूडियो गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. एंड जो भी लिंक्स होंगे ना, जो भी प्रोडक्ट्स मेरे को ऑनलाइन मैंने परचेज किए, उन सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मेक श्योर टू चेक देम आउट. एंड व्हाट यू थिंक अबाउट माई स्टूडियो वो भी मुझे बताना कॉमेंट्स में. एंड आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. ओ बाय द वे, इफ यू हैवंट सीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिक्लटरिंग वाला वीडियो, तो वो यहाँ पर डाल दूंगी मैं, उसको भी देख लेना. And bye, I'll see you next time.